उदयपुर की घटना को लेकर यूपी के बुलंदशहर में भी हिंदू संगठनों में गुस्सा दिखाई दिया। बुलंदशहर में बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने आरोपियों को फांसी पर चढ़ाने की मांग की है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने राजस्थान सरकार का पुतला भी फूंकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस कर्मियों ने छीन लिया। प्रदर्शन को देखते हुए जिले में सतर्कता बढ़ा दी गई है। एक हमारे भाई हिंदू भाई कन्हैयालाल तेली की गर्दन काट के सरेआम तालिबानी तरीके से हत्या कर दी गई, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर पूरा हिंदू समाज एकत्रित है और देश के अंदर जिस तरीके की आतंकवादी गतिविधि हुई है इसके विरोध में आज हम सब लोग इकट्ठा होकर के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, आरोपियों को तत्काल फांसी की सजा हो और कांग्रेस सरकार बर्खास्त हो, ऐसा एक ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के लिए दिया गया है। जैसा कि देखा गया है पुलिस प्रशासन द्वारा आपको पुतला दहन करने से भी रोका गया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? पुलिस प्रशासन ने आज कांग्रेस सरकार का पुतला दहन करने से भी रोक दिया। ऐसी गंदी मानसिकता की सरकार, अपंग सरकार, उसका पुलिस ने हमें जो है पुतला फूंकने से रोक दिया और हम लोग फिर कलेक्ट्रेट की तरफ ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में ही रोक के हम लोगों ने उनको ज्ञापन दे दिया है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती इसके लिए अगला कदम आपका क्या होगा? अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो पूरा हिंदू समाज और आक्रोशित होगा और आगे की रणनीति सब हिंदू समाज बैठ करके निर्णय लेगा। वहीं SSP ने बताया कि हिंदू संगठनों के द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन सौंपे गए हैं। समाज के जिम्मेदार लोगों से भी संपर्क किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोका जा सके। देखिए, ये प्रदेश भर में जनपदों को अलर्ट किया गया है, जिसके क्रम में जनपद बुलंदशहर में भी हम लोग लगातार फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं और संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित करके वहाँ पुलिस व्यवस्थापन किया गया। साथ ही साथ जो भी सूचना तंत्र है इसको भी सक्रिय किया गया और सोशल मीडिया पर भी हम निगरानी रखे हुए हैं और पुलिस का प्रबंध इसमें पर्याप्त किया गया है। कहीं भी किसी को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करने दिया जाएगा जिससे कि कानून व्यवस्था प्रभावित हो। सर, यहाँ भी ज्ञापन दिया गया हिंदू संगठन के लोगों द्वारा? यहाँ कुछ लोगों द्वारा आकर ज्ञापन दिया गया था जिसको शांतिपूर्ण तरीके से ले लिया गया और उसमें दिए गए हिंदुओं पर जाँच की गई। सर, प्रदर्शन पुतला फूकने आदि पर रोक है? देखिए, इसमें कानून बिल्कुल स्पष्ट है और जनपद में 144 कुछ दिन पूर्व लागू की गई थी तो उसका अनुपालन। बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बुलंदशहर से वरुण शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।